यूपीएससी की तैयारी भले कितनी भी कठिन हो और मुश्किल हो, लेकिन इसका चार्म देश के हर नागरिक को प्रभावित करता है। परीक्षा पास करने के बाद कैंडिडेट्स को अफसर बनने की ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं में हम सभी जानते हैं कि आईएएस तथा आईपीएस अधिकारी दोनों ही पोस्ट एक जिले के सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होती हैं। आईएएस और आईपीएस एक दूसरे के पूरक है, दोनों ही भारतीय समाज के विकास के लिए आवश्यक है। दोनों पद की अपनी ही गरिमा है, एक सादे कपड़ों में अफसर तो दूसरे पुलिस की वर्दी वाला सच्चा सेवक। नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोनों ही श्रेष्ठ पद है, लेकिन आईएएस बनना उम्मीदवारों की पहली पसंद होती है, पर बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको पुलिस की वर्दी आकर्षित करती है तो वो आईपीएस बनना पसंद करते हैं। एक जिले में एक से ज्यादा आईएएस तथा आईपीएस तैनात होते हैं, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट पद जिले में डीएम तथा एसएसपी का ही होता है। हम आज आपको इन दोनों पद के काम, सैलरी, सुविधाएं और बाकी चीजों में अंतर बताएंगे। आईएएस तथा आईपीएस दोनों का ही चयन यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा किया जाता है। एस्पिरेंट्स अपनी पसंद की सर्विसेज परफॉर्मेंस यूपीएससी के डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में भर देते हैं तथा फाइनल रिजल्ट में अपनी रैंक के अनुसार उन्हें सर्विस प्रदान कर दी जाती है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी आईएएस ज्वाइन करने के बाद अभ्यर्थी सिविल सेवा की परीक्षा नहीं दे सकता, परंतु आईपीएस बनने के बाद सिविल सेवा की परीक्षा दे सकता है। आप जानते हैं कैडर कंट्रोल अथॉरिटी क्या होता है? आईएएस तथा आईपीएस दोनों ही ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, लेकिन दोनों की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी अलग अलग होती है। आईएएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स होती है, जो कि सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होती है, परंतु आईपीएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होम मिनिस्टर्स की होती है, जो कि गृह मंत्री के अधीन होती है। अगर दोनों की ट्रेनिंग की बात करें तो आईएएस तथा आईपीएस की शुरुआती 3 महीने की ट्रेनिंग, जिसे फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी में होता है। उसके बाद आईपीएस प्रशिक्षुओं को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद भेज दिया जाता है, जहां वे अपनी पुलिस ट्रेनिंग लेते हैं। आईएएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट्स को मेडल तथा आईपीएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट्स को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आईपीएस की ट्रेनिंग ज्यादा कठिन होती है तथा ज्यादा परिश्रम की अपेक्षा भी की जाती है। इसमें घुड़सवारी, परेड, शस्त्र विद्या इत्यादि शामिल होता है। आईएएस और आईपीएस की पावर और जिम्मेदारियों को जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। आईएएस तथा आईपीएस दोनों ही सेवाओं का जॉब प्रोफाइल बहुत ही ब्रॉड होता है और दोनों ही बहुत पावरफुल पोस्ट पर तैनात भी होते हैं, परंतु आईएएस एक डीएम के रूप में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। एक आईपीएस के पास केवल अपने विभाग की जिम्मेदारी होती है, परंतु एक आईएएस यानी डीएम के पास डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी होती है। डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभागों का भी मुखिया होता है। डिस्ट्रिक्ट की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी भी डीएम के पास होती है। शहर में कर्फ्यू, धारा 144 इत्यादि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े सभी डिसीजंस डीएम ही लेता है। भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर भी डीएम दे सकता है। आईपीएस भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर नहीं दे सकता। इतना ही नहीं, पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर के लिए भी डीएम के अप्रूवल की आवश्यकता होती है। स्कोप ऑफ ड्यूटी की अगर बात करें तो डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी का स्कोप ऑफ ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट्स में होता है। एक आईपीएस एसएसपी रहते हुए सिर्फ अपने पुलिस विभाग तथा यातायात विभाग में ही कार्य कर सकता है। डीएम का कार्य क्षेत्र लैंड रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर इत्यादि डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट्स होते हैं। भारत में आईपीएस अधिकारी का वेतन 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशंस के बाद से काफी बेहतर हुआ है। आईपीएस का वेतन 56,100 रुपए प्रति माह से लेकर 2,25,000 रुपए प्रति माह तक हो सकता है। यह सीनियोरिटी के आधार पर अलग अलग होता है। आईएएस की सैलरी भी 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशंस काफी बेहतर हो गई है। दोनों अफसरों को सरकारी आवास, गाड़ी आदि की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। वहीं बिजली, पानी, मेडिकल आदि के खर्च के भुगतान में भी छूट मिलती है। आप एक आईपीएस को आसानी से पहचान सकते हैं, पर एक आईएएस को शायद ही पहचान पाए, क्योंकि यूनिफॉर्म,
IAS तथा IPS को अलग करती है। IAS ऑफिसर्स के लिए कोई खास यूनिफॉर्म नहीं होती, बस उन्हें सरकारी आयोजनों में फॉर्मल कपड़े पहनने होते हैं, परंतु IPS को उनकी निर्धारित यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। IPS की यूनिफॉर्म प्रमोशंस के साथ साथ बदलती जाती है। उन्हें हर रैंक के साथ कंधे पर सितारे, तलवार तथा अशोक की लाठ लगानी होती है। आम जनता कपड़ों से IAS को नहीं बल्कि IPS को तो पहचान ही लेती है। अब हम उस टॉपिक पर आ रहे हैं जिसको आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि दोनों सर्विसेज में सबसे हाईएस्ट पोस्ट कौन सी होती है। एक IAS के लिए भारत में टॉप पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है। यह भारत का सर्वोच्च पद है जिस पर सिर्फ एक IAS ऑफिसर ही तैनात किया जा सकता है। स्टेट में भी टॉप पोस्ट चीफ सेक्रेटरी की होती है जो एक IAS ऑफिसर होता है। यहाँ तक कि होम सेक्रेटरी के पद पर भी एक IAS ऑफिसर को ही तैनात किया जाता है। वहीं IPS अपने राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन सकता है। केंद्र सरकार में एक IPS ऑफिसर CBI, IB तथा रॉ का डायरेक्टर बन सकता है। इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर भी IPS की तैनाती की जाती है। आपको बता दें कि हमारे प्रकाशन से UPSC की परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनेक पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप भी IAS की तैयारी कर रहे हैं तो ऑल अबाउट UPSC एग्जाम, मुझे बनना है UPSC टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम, 60 सक्सेसफुल IAS ऑफिसर्स की प्रेरक कहानियां, ऐसे फॉर UPSC सिविल सर्विसेज लैंडमार्क जजमेंट्स, UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर 1 और 2, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स और मनीष रंजन की सभी किताबें जिनमें आपको मिलेंगे सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, आप इन सभी किताबों को रेफर कर सकते हैं और आप इन्हें Amazon या Flipkart से ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए बने रही प्रभात एग्जाम के साथ, नमस्कार। आपकी JPSC परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई है। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है IAS डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, Flipkart या नज़दीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।